सभी का एशिया न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ संजना। जोधपुर में ही अब दूसरी जगह हुआ पथराव, पूरे इलाके में दहशत का माहौल। राजस्थान के जोधपुर में सोमवार देर रात हुए बवाल के बाद आज फिर पथराव हुआ है। दो समुदाय में विवाद का मामला जोधपुर के कबूतरों का चौक पर सामने आया है, जहां दो गुटों में पथराव हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और माहौल को शांत कराया। बता दें कि इससे पहले दो गुटों के बीच सोमवार देर रात जलौरी गेट पर झड़प हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ चल रही है। जलौरी गेट पर हुए हिंसा के बाद इलाके में तनावपूर्ण हालात है, जिसे देखते हुए भारी संख्या में पुलिस सबल की तैनाती की गई है। ईद के मौके पर मंगलवार को नमाज के बाद समुदाय विशेष लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इलाके में सभी इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। दरअसल जोधपुर में इन दिनों तीन दिवसीय परशुराम जयंती महोत्सव चल रहा है और उसी कड़ी में जोधपुर के जलौरी गेट चौराहे पर स्वर्गीय बाल मुकुंद की बिस्सा के चौराहे पर भगवा ध्वज फहराए हुए थे, जिसको लेकर प्रशासन ने ब्राह्मण समाज से अनुरोध कर सोमवार को दोपहर में भगवा ध्वज उतार लिए थे। लेकिन रात होते होते अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी के प्रतिमा पर चढ़कर ध्वजा लगाकर उनके चेहरे को टेप से ढक दिया था। इस बात को लेकर स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा के रिश्तेदार और अन्य लोगों ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से इस्लामिक ध्वज उतारने को बोला। तभी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने हिंदू संगठनों के लोगों पर हमला कर दिया और पूरी तरह से उन्हें पीटा, जिसके बाद हिंदू संगठनों के लोगों के बीच बचने के लिए आसपास स्थित पुलिस चौकी पे पहुंच गए। लेकिन अल्पसंख्यकों की भीड़ ने पुलिस चौकी में तोड़फोड़ कर दी और हिंदू संगठनों के लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी।